दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि आप अपने ज़िले का या किसी भी ज़िले के किसी भी अधिकारी का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल से कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर बहुत से लोग निकाल नहीं पाते थे, तो आज की वीडियो में मैं वही बताऊँगा कि आप किसी भी अधिकारी कर्मचारी का नंबर आप अपने ज़िले में या किसी भी ज़िले का बहुत आसान तरीके से कैसे निकालेंगे। और वहाँ पर सभी लोगों का, हालांकि उस वीडियो में जो मैंने बताया था, तो आप हर अधिकारी का नंबर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से आप किसी भी अधिकारी का नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए और ये सीख लीजिए, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी अधिकारी से ज़रूरत पड़ती है कॉन्टैक्ट करने के लिए, तो आपके पास सभी का नंबर निकालने का तरीका तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, आप अपने टॉपिक का नाम कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ताकि हम उस टॉपिक की वीडियो आपके लिए बना सकें। तो दोस्तों, आपको अपने ज़िले का किसी भी अधिकारी का नंबर निकालना हो, अब आप किसी भी स्टेट को के हों, चाहे वो आप उत्तर प्रदेश या MP, राजस्थान, किसी भी स्टेट के हों, ऑल इंडिया, तो किसी भी स्टेट के किसी भी ज़िले के किसी भी अधिकारी का नंबर निकालने के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। तो चलिए, जैसे मैं यहाँ अपने मोबाइल में ये क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ आपको करना क्या है, गूगल में आ जाना है और गूगल में लिखना है आपको अपने ज़िले का नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है, उसके बाद .nic.in करके लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर मैं अपने ज़िले का नाम यहाँ लिखता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा अम्बेडकर नगर .nic.in, आपको स्पेस नहीं देना है कहीं पर, आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए, उसके बाद .nic.in। जैसे आपका ज़िला लखनऊ है, तो आपको lucknow.nic.in लिख देना है, या जहाँ का भी ज़िला हो आप उस ज़िले का नाम लिखने के बाद .nic.in करके लिख दीजिए, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, सर्च करने के बाद आप आ जाएंगे अपने ज़िले की या किसी भी ज़िले की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहां पर आप आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे आना है, तो आपको इस वेबसाइट में कहीं ना कहीं जो है सभी लोगों का नंबर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना ज़िला ओपन किया हूँ, तो आप यहाँ नीचे आते हैं, तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा टेलीफोन डायरेक्टरी का, तो आपको इस टेलीफोन डायरेक्टरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने का अगर ऑप्शन आए, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे लोगों का नंबर यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ आप ओपन करेंगे, तो यहाँ से आप सामने देखेंगे, ये देखिए सभी का जो है नंबर, सभी अधिकारियों का नंबर यहाँ आपको सीरियल से दिया गया है। आप किसी भी अधिकारी का नंबर आप यहां से निकाल सकते हैं। तो आपके ज़िले के जो भी अधिकारी हैं, सभी का यहां पर नंबर मिल जाएगा, तहसीलदार वालों का नंबर भी मिल जाएगा, थाने वालों का नंबर मिल जाएगा, सभी का नंबर यहां से आपका मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखे यहाँ पर, मतलब डाउनलोड नहीं होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगी, तो आप वहाँ से भी नंबर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी ज़िले को हो, मान लीजिए मैं किसी दूसरे ज़िले का ओपन करके दिखा रहा हूँ, जो दूसरे स्टेट का, तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर आपको भोपाल का दिखाता हूँ, तो bhopal.nic.in करके हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हम नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पर देखिए दूरभाष निर्देशिका करके लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है सभी अधिकारियों का, तो यहाँ पर देखिए देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन सबका नंबर जो है देखने को मिल रहा है, ये देखिए आप यहाँ से देखिए अलग से तहसील का ऑप्शन दिया है, तो इस पर क्लिक करके तहसील वालों का नंबर देख सकते हैं, नायब तहसील, ये सभी लोगों का नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ आपको नहीं दिखता है, तो आपको जो 3 लाइन यहाँ दिख रही है, इस 3 लाइन पर क्लिक कर देना है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ आपको नंबर देखने को मिल जाएगा सबका। तो यहाँ पर देखिए निर्देशिका लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन और STD कोड, अगर पिन कोड की ज़रूरत हो तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। सार्वजनिक उपयोगिताएँ देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे ज़िले के जो बैंक वगैरह हैं, इन सभी का भी नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं।